राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारो स्वागत है सा। आज अपनी रसोई रे मायने आप बनावाला राजस्थान की पारंपरिक डिश कड़ी मूठिया। आप अड़ी डिश है जिका घर सा मानुज बनना तैयार हो जाया करे। घर मैंने आप कोई भी सब्जियां वे जिके आप दाल ने मूठिया बनाने तैयार कर सको। और खास तौर करी करी बच्चा ने लौकी खावना पसंद नहीं होया करे तो इन डिश रे मायने आप ढेर सारी लौकी रो इस्तेमाल करेला। बच्चा ने ध्यान भी नहीं पड़ेला आ लौकी बनोड़ा मूठिया है। खास तौर कड़ी रे साथ खाने मायने तो बहुत ही अच्छा लाग गया करे। और आप तो जानो ही जाओ कड़ी अपन मारवाड़ रे मायने अलग अलग तरह बनिया करे। आज मैं आपने बिल्कुल सिंपल तरीके री कड़ी बनावनी बतौला जी कि आप करी भी खाना रे साथ बनाने खा सको। जरूर नहीं आप मूठिया साथ ही खाओ, आप चावल रे साथ रोटी रे साथ किन्नी साथ खाओ लो तो कड़ी आपने बहुत अच्छी लगेगा। तो पधारो सा पखड़ी मूठिया बनावना शुरू करा। कड़ी मूठिया बनावना शुरू करा जिन्हें पहले आप कुछ चीज़ा ने पीसने तैयार कर लिया वहाँ। इस वास्ते मैं 10-12 कड़ियाँ लसन भी ली हूँ तो सब पहले अपन लसनी कलियाँ इन मान डाल दें। मैं 4 हरी मिर्चा ली हूँ, इन्हें मैं बड़ी बड़ी काट ली हूँ। अभी मिर्चा इन मान अपन डाल दें। इन्हें साथ मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ो लिए हूँ जिन्हें भी बड़ो बड़ो इस काटे हूँ और भी इन मान डाल दें। वहाँ अब सामान पपीस ले वहाँ पीसना अपन एकदम मेन पेस्ट नहीं बनावना है, दरदरा पीसने तैयार करना है। तो देखो ऐसा दरदरा पीसीज ने तैयार हो गया। अच्छा इन तरह को पीछे और डाला क्या तो उन्हें फ्लेवर बहुत अच्छा वाला खड्डी मूठिया रमाइन। तो आधो आप खड्डी रमाइन डाला ला आधो आप मूठिया रमाइन डाला ला। तो अब आप खड्डी बनाने शुरू करा तो उन्हें पहले आप खड्डी रो गोल बनाने तैयार कर ले। वहाँ इस वास्ते आप 1 कप दही लिए हाँ। इन टाइम रहा चाहे आप मोड़ो दही या खाटो दही जो भी आप करने वे वो ले सको। बासी दही नहीं होना चाहिए बस। इन्हें साथ मेजरिंग कप रे हिसाबों में आधो कप बेसन लियो और बेसन इन मान डाल दियो। बेसन ने पानी मान अच्छी तरह मिक्स कर लियो। ज़्यादा पानी डालने मिक्स नहीं करना नहीं तो कई गुटलियाँ पड़ जा वाला। पर दही रे माने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आप विस्क रू मिक्स कर सको नहीं तो आपके करना जेलनी वगैरह तो जेलनी भी अच्छी तरह मिक्स कर सको। कुर्ची मिक्स कर सको। बेसन ना चाहिए आप छानने भी ले लीजिए। छानने ले तो ये आप गुटलियाँ कहीं जल्दी टूट जाया करें। बेसन ने देखो सारी गुटलियाँ टूट गई है। अब भाई इन मायने आप पानी डालना तो पानी अपन नाप ने डालना। जितना आप आधो कप बेसन लिया हो तो 10 गुना पानी डालना मतलब अपन 5 कप पानी घालना पड़ेगा इन मायने। एक हाथ है 12 महीने डाला लपा। 1 कप में पानी लिया हूँ पहले मैं डाल दूँ थोड़ा। गोल के तो अच्छा बनने तैयार हो गया। देखो अच्छी तरह पहले आप फैट ला के तो गोल बहुत अच्छा बन जाएगा खड्डी का। दही रे पहले मैंने इसमें पानी ले लिया। देखो दही पहले भी साफ हो गया है ना पानी गोल भी बन गया। अब इन मान मैं 1 कप पानी और डाल दूँ। बाकी रो पानी मकड़ डाले मुझे डाल दूँ। 2 कप पानी डाल दिया इन मैंने बाकी 3 कप पानी है जो मकड़ डाले मुझे डाल दूँ। अब इन मैंने अपा 1 छोटा चम्मच वेजता नमक डाल दें। नमक आप स्वाद अनुसार कम बतौर डाल सको आप। और 1/4 छोटा चम्मच वेजते इन मान पर हल्दी डाल दें। लाल मिर्चे बार इन मैंने अपा नहीं डाला ला बाद में डाला लाल मिर्ची। और गोल बनना तैयार हो गया। अब आप कड्डी छोंकना। अब कड्डी चमकने वास्ते आप कडालो लिए हाँ। कडाल रहे मैंने से ऊपर ही अपना 1 टेबल स्पून वेजे तो घी डाल दें। आप कड्डी चाहे घीरे मायने या तेल रे मायने जिन मायने बनाता वो मैं बना लीजो। मैं ज़्यादातर दही री चीज़ा घीरे मायने बनाया करूँ। इस वास्ते मैं घी में छोंक रही हूँ। अब आप गैस चालू कर देवा। करीब छोंक लगाओ जरा अपन कही है आँच धीरेज रखनी। तेज आँच रे मान नहीं लगाऊंगी छोंक। तेज आँच में कहीं छोंक बढ़ जाया करें। अब 1 छोटा चम्मच इन मायने पर राई डाल दें। 5-6 मैं काली मिर्ची ली हूँ या काली मिर्ची डाल देवा। कि फ्रेश इन मान डाला ला के तो उन खुशबू अच्छा आवेला तो फ्रेश गर्म मसाला हो जाला एक तरह इन मायने। एक मैं तेज पत्ता लिया हूँ और भी मैं डाल देवा। 2-3 लौंग लिया हूँ लौंग भी इन मान डाल दें। 1 दालचीनी ली हूँ मैं दालचीनी का छोटा टुकड़ा है और भी मैं डाल दें। 1 छोटा चम्मच इन मायने पर जीरो डाल दें। ये सब थोड़े थोड़े चीज़ें डाल डाल के तो कड़ी मायने खुशबू बहुत अच्छी आवेला। 1/4 छोटा चम्मच होती है दाणा मेथी डाल दें। दाणा मेथी डालने से कही है कड़ी गैस वगैरह नहीं करेला कि नहीं तो थोड़ी सी दाणा मेथी डाल दें यानी खुशबू बहुत अच्छी आया करे। मैं 10-12 कड़ी पत्ता लिया हूँ ये भी मैं डाल दें। राया अपने अच्छी चटक गई है। अब इन मायने पर अदरक लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया हो वो मैं डाल दूँ। पेस्ट देखे खुशबू बहुत अच्छी आवेला टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। दिखने मायने देखो कितना तो अच्छा लग रही है। ऐसा मसाला अच्छा पक गया है बहुत ज़्यादा बालना नहीं मसाला में। अब इन मायने पर कड़ी का जो गोल बनाया हो वो गोली में डाल दें। तो गोलना पानी तरह घुमाने डालना पूरा नीचे कही है कि बेसन जान नहीं तो रह जाया करें। अच्छी तरह पानी चला पचे डाल दें। अब इन मैंने अपा 3 कप पानी डाल दी। 2 कप पानी अपा पहले डाल दियो। अब 3 कप पानी और डाल दी। कड्डी ना अच्छी उबालना नहीं तो उनका पानी तो सब कम पड़ जाया करे नहीं तो कड्डी बहुत ज़्यादा हो जाया करे। कुल मिलान में इन मैंने 5 कप पानी डाल दी।
पाँच कप पानी बराबर रहे लाइन में। जितो आप बेसन लेवा के उन्हें बेसन ओपन दस गुना पानी डालना। तो मैं आधा कप बेसन लिया हूँ, इस वास्ते मैं पाँच कप पानी डाल दिया मैंने। अब मैं पाँच ने तेज कर दिया, धीरे हाथ से मैंने मसाला पकाया अपन, आँच ने तेज कर लिया। तो क्वार्टर चम्मच इन मैंने अपन हल्दी और डाल दी, हल्दी मैंने कम लाग रही है तो क्वार्टर छोटा चम्मच अपन हल्दी डाल दी मैंने, इनको कहीं कलर अच्छा वाला। मैं कंडी ने कहीं अपना जितनी देर उकाड़ा नहीं आवे के उतनी देर अपना बराबर चलावता रहे, नहीं तो कहीं मैंने बेसन नहीं घाटा पड़ जा वाला, तो कंडी आपकी अच्छी नहीं बनेला। तो सब मसाला अपना डाले जो देखो बहुत ही अच्छा दिख रहा है मैंने। अब अपना कंडी रे मैंने उकाड़ा आई गया है, उकाड़ा आया पचे आप चाहे कंडी ने छोड़ सको और स्लो और मीडियम आँच रे मैंने अपना धीरे धीरे पकड़ने वास्ते रख दे, अच्छी पक जाए वाला कंडी तो खाऊ मैंने स्वादिष्ट लगेगा। अब अपना 15 मिनट वास्ते अपना कंडी ने पका ले, साइड रे मैंने अपना मूठिया बना तैयार कर लिया। इस वास्ते मैं आल ली भी हूँ, कुछ लोग इन्हें दूध ही बोलिया करे, कुछ इन्हें आल बोलिया करे। आ 300 ग्राम है तो आपने बत्ता बनावना कम बनावना वे उन हिसाब आप आल ने बत्ती कम ले सको, तो इन्हें अपन सब पहले छील ले। आल कहीं ज़्यादातर बच्चा लोग आराम मुँह नहीं खावे, बच्चा ने आल की सब्जी खवाओ तो खाया नहीं करे, पर मोटे रमन ने आल तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आवेला तो बच्चा भी आराम खा ले। नाश्ते वास्ते एकदम परफेक्ट रेसिपी है, इन मायने आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा हो जा करे। तो आप देखो दूधी पर थोड़ी देर रख दवा क्या तो काली पड़ जाया करे। अब इन्हें अपन छिलका निकाल लिया, अब कद्दूकस कर ले। जिन्हें पर रात्र मायने पाटो से ना उन माने जब कद्दूकस कर ले, ज़्यादा मेन कद्दूकस नहीं करना अपन, थोड़ा बड़ बड़ी कद्दूकस करना है। इन तरह पूरी आल ने अपना कद्दूकस कर लिया। हाँ अब मैं एक आलू लिया हूँ कि बच्चा ने कि आलू खाना अच्छा लग गया करे, इस बार थोड़ा आलू डाल दें तो बच्चा ने ध्यान भी नहीं पड़ेला का आलू बनी उड़ा है, आलू का टेस्ट आवता रहेगा। इस वास्ते एक आलू लिया हूँ, छीलने ले लियो इन्हें, आलू ने छीलने डाल दो इन मैंने। आलू ने भी आप कद्दूकस कर लिया। हाँ जिन टाइम आप बनावना शुरू कर रहे हो उन टाइम रे जा कद्दूकस करना, नहीं तो कही आल पड़ी पड़ी काली पड़ जाया करे, आलू भी कई कालो पड़ जाया कर रहा था। जिन टाइम रे बनावना वे उन टाइम में अपना कद्दूकस करना। सब्जियाँ हमेशा इन मैंने फ्रेश डालनी। इन टाइम रे आप चाहो तो इन मैंने गाजर भी डाल सको, चाहो तो शिमला मिर्ची भी डाल सको, जितनी भी सब्जियाँ आपके कहने मेथी हो तो मेथी भी डाल सको। अब अदरक लहसुन का पेस्ट जो पीसी आप वही मैं डाल दें, जिन्हों का ये फ्लेवर अच्छा वाला पीस जोड़ा और फ्लेवर अच्छा आया करे। आधा तो पकंडी में डाल दी, हाँ आधा ऊपर इन मैंने पर डाल दी। इन साथ थोड़ा मैं हरा धनिया लिया हूँ, अभी इन मैंने डाल दी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब डाल दें इन मैंने कहते अच्छी लगे। अब इन मैंने कुछ मसाला डाल दे, तो एक टी स्पून वेजिता अपना धाना पाउडर डाल दे, एक टी स्पून वेजिते इन मैंने अपना लाल मिर्ची डाल दे, क्योंकि हरी मिर्ची पान डाल उड़े इस वास्ते लाल मिर्ची थोड़ी कम ही डालनी है। आ कश्मीरी लाल मिर्ची है, इस वास्ते ज़्यादा तीखी नहीं हुआ, इस वास्ते मैं एक टी स्पून डाली हूँ। क्वार्टर छोटा चम्मच इन मैंने अपना हल्दी डाल दें और एक टी स्पून वजते इन मैंने नमक डाल दें। नमक आप स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा डाल सको। अब सब आना एक बड़ा मिक्स कर लिया, अपन 2 टेबल स्पून वजता तेल डाल दें इन मैंने, देखो सॉफ्टनेस अच्छी आवेला। सब ने अपन मिक्स कर लिया। अब क्वार्टर छोटा चम्मच वजता इन अपना बेकिंग सोडा डाल दें, यानी मीठो सोडो। सब ने अपन अच्छी तरह मिक्स कर ले। इन टाइम पर मिक्स करना कहते 18 महीने बराबर सब मिक्स हो जाए वाला है। अब भाई इन मैंने डालने वास्ते मैं पाव कप सूजी ली हूँ और मेजरिंग कपड़े हिसाब ली हूँ मैं पाव कप सूजी। मेजरिंग कपड़े हिसाब भी मैं पाव कप बेसन ली हूँ, बेसन भी इन मैंने डाल दे। सूजी डालने से कोई इन मैंने थोड़ा सा हल्को दरदर पर आ जाओ, नहीं तो या तो दरदर आटो वे आपने कहने गेहूँ आटो तो दरदर आटो ही ले सको, तो सूजी नहीं डालनी पड़ेगा आपने। ने मेजरिंग कपड़े हिसाब भी मैं 1.5 कप आटो लिया हूँ मैं, और गेहूँ और आटो है जो कम रोटी बनाने तैयार करा, आटा इन मैंने डाल दे। अपन ने पानी नहीं डालना इन मैंने, क्योंकि दूधी रे मैंने पानी निकलिया करे। एक बार आटा अपन मिक्स करना, जरूरत पड़े तो बस थोड़ा सा पानी डालना, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा अपना। आल तो मैंने काफ़ी पानी होया करे, आप देख रहे हो आटो बराबर उसने इतना तैयार हो गया है। इन मैंने अपना कोई तरह पानी वगैरह नहीं डालिया, जो आप रेसे हूँ आटो और बेसन और सूजी भी नहीं हुई, इन मैंने परफेक्ट रहा है। अब इन अपन रेस्ट करने रखने जरूरत नहीं, क्योंकि रेस्ट करेला तो दूधी रे मैंने पानी छूट जावेला, तो इन्हें अपन मूठिया बनाने तैयार कर ले। हाथ से मैंने मूठे आप जितना बड़ा बनावना है उन हिसाब को बना ला आप, देखो ज़्यादा बड़ा बड़ा ही नहीं बना वाला। इन तरह मूठिया बनाने तैयार कर लिया, अच्छा दबा ने बना लिया उन्होंने कई मूठिया। सब्जियाँ कारण बहुत ही हेल्दी रहा करो नाश्ता, और नाश्ता के एक छोटी दिन वह तबली खाना मैं नहीं बनाने खा सका, क्योंकि सब सब्जियाँ इन मैंने हो जाए ना आराम पाकते कड़ी हो जाए तो खाऊ मैंने स्वादिष्ट भी लगे। सब मूठे अपना बनने तैयार हो गया, 5 मूठिया बनाए अपन। अब इन्हें अपन स्टीम करने वास्ते रख दें, तो स्टीम करने वास्ते अपा एक स्टीमर लिया। हाँ आप कहने स्टीमर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, कोई कडालो वगैरह हुए या भगोलो वे उन माते इन तरह रही, पर चांदनी वगैरह घर में सब्र होया करे, वह चांदनी उन नाप री लगा दी होनी। आ चांदनी कहीं लगा हुआ जिन्हें पहले नीचे कोई रिंग रख दे होना,
રિંગ નહીં હોય તો આપણે કોઈ કટોરી રખ દીજો, ઉન માથે આ ચાંદની રખ દીધું, પાણી ઉપર રહેવાની થઈ જાય, ચાંદની પાણી માતા નહીં રહેવાની થઈ જાય, પાણી થોડું ઉપર રહેવાના થઈ જાય, સ્ટીમ વજ્ર કહે પાણી હું ગીલા નહીં પડે. પછી કે ચાંદની લેવા કે ઉન માથે થોડો સો તેલ લગા દેવાના જેનો કંઈ ચીપકે નહીં હે. હવે ગેસ ચાલુ કરી દેવા આપણ, પાણી પણ ગરમ હોય ગયો હે, અબે એની માતા પાસે જે કાં ભણાયા એ રખ દેવાની માથે પકન વાસ્તે. મોટા કે અચ્છા સ્ટીમ હો જાય કે કચ્ચા નહીં રહેવાલા ને ખાઉંડા મને સ્વાદિષ્ટ લાગે, થોડું થોડું એક ગેપ રાખણા યાર બિચરે મહિને, જો એક દૂસરે હું ચીપકે નહીં, કે ફૂલેલા બાર કે એક દૂસરાની તો ચીપક જવાલા. કરે કરે કે પણ મન કંઈ રોટી ભણવાના નહીં હોય કરે, મન કરે ચાલો આજ ખાણો નહીં ભણાવો, રોટી વગર નહીં ભણાવો, તો હું ટાઈમ રહે આરામ ભણાવ તૈયાર કરશો, કે ફટાફટ ભણને તૈયાર હોય જાય. અબે એને આપણ ઢક્કણ લગાવીને 10 મિનિટ રહે વાસ્તે પકાવવાના, 10 મિનિટ મને અચ્છા સ્ટીમ રે મહિને પકને તૈયાર હોય જવાલા. દેખો મોટે બહુ અચ્છા ફૂલ ગયા, સબ મોટે દેખો ફાટ બી ગયા થોડા, તો આપણે ચેક કે કર કરના, આપણે કંઈ ચક્કુ હોય તો ચક્કુ લઈને ચેક કરી શકો, નહીં તો ટૂથપીક વગેરે વેકે ટૂથપીક લઈને આપ ચેક કરી શકો. ટૂથપીક ઇન માઇન્ડ ડાલોલા, પાછી બહાર નીકળાય ક્લીન નીકળેલા એના મતલબ પણ અચ્છા પગ ગયા. અબે આપણે ગેસના બંધ કરી દેવાનું, અબે એના પર ઠંડા કરવાનું વાસ્તે રખ દેવાનું, ના કડીને વાપસ ચેક કરેલા જીતે કડીએ પણ બરાબર ભણને તૈયાર હોય ગઈએ, ને ગાડી બી દેખો બરાબર હોય ગઈએ, જ્યાદા ગાડી બી નહીં હે ઓર જ્યાદા પતલી બી નહીં હે. કમ પાણી ડાલોલા આપણે તો બહુ જ્યાદા ખાટી હોય ચાલે. અબે આપણે કડી ભણને તૈયાર હોય ગઈએ, ગેસ તો બંધ કરી દેવી. આપ ચાહો તો એને ખડીને યુંય સર્વ કરી શકો, પણ મેઇન માં તો થોડી સી રંગત ડાલને સર્વ કરવું લાગે, કોઈ દીકરામાં એને ખડી ઓર બી અચ્છી લાગે. રંગત ભણવાનું વાસ્તે આપણે એક બર્તન લઈએ હા, જેમાં આપણે એક ચમચ ઘી ડાળી દેવું, ગેસને ચાલુ કરી દેવું. આ રંગત ભણાને ડાલના ઓપ્શનલ હે, આપણી ઈચ્છા હોય તો ડાલજો, નહીં તો ખડી તો યું બહુ અચ્છી બની હે. હવે ઘી પણ ગરમ હોય ગયો હે, એમાં આપણે એક છોટો ચમચ જીરો ડાળી દેવું, એક છોટો ચમચ આપણે એમાં લાલ મિરચી ડાળી દેવું. આ આપણે એક આખી લાલ મિરચી ડાળી દી હા, 2-3 ટુકડા આપણ હરી મિશ્રે ડાળ દઈએ. તો ગેસ બંધ કરી દેવા અને શોખ લગાવી પાણી માત્ર મિક્સ કરી લેવા. આ બધું કડી રંગત ઓર બી અચ્છી હોય ગઈએ. યુ તો મારા ચેનલ માં મેં આપને પહેલી રાજસ્થાન મને સાધ્યા રજાડી કડી ભણ્યા કરે વા ભણાવણી બતાવી, તો વા કડી કોણ કોણ આપણે ઘરે મને ભણાને તૈયાર કરી, જે કે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂર બતાવીજો. તો મને બહુ અચ્છો લાગેલા આપણે ઘરે મને કોઈ ચીજ અચ્છી ભણેલ હતો. એની સાથે આ સિમ્પલ રોજ બનાને ખાવા જાડી કડી રેસીપી આપને કડી લાગ રહી હે, અભી મને નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂર બતાવીજો. આપ કોમેન્ટ કરીને બતાવતા રહો તો મારે મન મને ઉત્સુકતા રહ્યા કરે કે મેં અલગ અલગ રેસીપી આપને બતાવતી રહું. હવે લાસ્ટ મને એને મને આપણા ધાણા ઘાલના, ધાણા કરી દઈએ પણ લાસ્ટમાં ડાલના, પહેલી દાલ દો ધાણા તો કહીએ કાળા પડ જાય કર, ધાણા ધાણા ડાલને પણ એ મારે મિક્સ કરી લો. આપણા રાજસ્થાનની પારંપરિક કડી બનને તૈયાર હોય ગઈ. હવે આપણા મૂટ્યા દેખલા, તો હવે મૂટ્યાને આપણા પ્લેટમાં લઈ લે હા, મોટા ઠંડા બી હોય ગયા, ઠંડા હોય પછી એના પર કાટ લેવા. હવે આપણે જીતા બધા સાઈઝમાં કાટ ના આવે એનો હિસાબો કાટને તૈયાર કરી લો, બે ઇઝીલી કટને તૈયાર હોય જાય. આપણે ધ્યાન રાખણા થોડો ઠંડા કરીને પછી જ કાટ નહીં આને, ગરમ ગરમ કાટેલા તો કંઈ તૂટ જવાલાય ને સે પછો નહીં આવેલા યાર. અબ મેં મોટા કાટને તૈયાર કરી લે હું, એથી મોટા હે જે કાં મેં બહાર ખાવાલા જીતે જ ભણાને તૈયાર કરી હું, દો હે જે કાં એર ટાઈટ ડબ્બા રમાઈને રખને મેં ફ્રીજમાં રખ દૂલા, જ્યારે જરૂરત હોય ઊંટામ લે આપણા છોકને ખા શકા, ગરમ ગરમ ખાવાનીમાં જ્યાદા અચ્છા લાગે. તો એને આપણા સાઈડમાં રખ દેવા, છોકરની તૈયારી કરવા. છોકરને વાસ્તે આપણે પેન લઈએ હા, પેન રમાઈને આપણ 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી ડાળી દેવા. આપ ચાહો તો તેલ રમાઈને ભણા શકો, જીકો બી તેલ આપ ખાવતા હો ઉનમાં આપ ભણા શકો, ઘી રમાઈને બટર મેં આપણે હિસાબ ઉભો કરી શકો. ભાઈ ઘી પણ ગરમ હોય ગયો હે, ઘી ગરમ હોય ત્યારે પછી એમાં પણ 1 છોટો ચમચ રાઈ ડાળ દેવા. રાઈ ડાળને શું કોઈ ચીજ ભાદી વગર નહીં કર્યા કરે, ને રાઈ સ્વાદ બી બહુ અચ્છા આવ્યા કરે. ઓ ધ્યાન રાખના રાઈ પણ ફટજાવે ઉન બાદ રમાઈને પદવું ચીજા કરવી, રાઈ નહીં ફાટેલો તો આપને કડવી લાગેલા રાઈ. અબ દેખો રાઈ ફાટને રો ગયા, રાઈ ફાટને શરૂ હો જાવે ઉને બાદ મને પણ 1 છોટો ચમચ જીરો ડાળ દેવા. 1 છોટો ચમચી મેં તિલ લઈ આવું, તિલ બીન માંડ ડાળ દેવા, તિલને બી આપણે હલકા હલકા પકા લેવા. એની સાથે મેં 2 હરી મિરચી લીવી હું, જે નહીં એ તરફ બડી બડી જ કાઢી લઉં. આ હરી મિરચીમાં બડી વાસ્તે કાઢતી હું કે ને તીકો ખાવાના પસંદ હોય તો આપ હરી મિરચી લઈને ખા શકે સાથે, નહીં તો આપ નિકાળ પી શકે. અબે જે કાં આપણે મોટા ભણાયા હા, જે કાંઈ માંડ ડાળ દેવા. આંચને થોડી પણ ધીરે કરી લેવાના, ધીરે આંચ રમાઈને આપણે એને થોડા ક્રિસ્પી કરી લેવા, જે ખાઉન રમાઈને અચ્છા લાગેલા. ઇન ટાઈમ આપણે સ્લો ઓર મીડિયમ આંચ રમાઈને એને થોડા કરાવેલા. આપ દેખ રહ્યા હોય દીકરા મને કેટલા સુંદર લાગ રહ્યા, દેખો એમાં તો તિલ વગર લાગ્યા હે, બહુ જ સુંદર લાગ રહ્યા હે. હલકી સી ક્રિસ્પી લેયર એમાં તો આવી ગઈ હે. આપ ચાહો તો બિના છોંકી ખા શકો. મારા ઘરમાં સબા નહીં ઇન્તર હું જ ખાવાનું પસંદ એ વાસ્તે મેં એ બનાવ્યા કરું. ઇન્તર હું પણ સબ મોટ્યા દેખો અચ્છા ક્રિસ્પી હોઈ ગયા હે, ઓર બહુ જ પોલા બનના તૈયાર હોય હે. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનું. આપ દેખ રહ્યો એ તો અચ્છા મોટ્યા આપના આપી ખાવાનું મન કરે, દેખો ને ખડીર સાથે બહુ જ સ્વાદિષ્ટ લાગેલા. લાસ્ટમાં એની માતે આપણે થોડા હરા ધણા એની માતે લગાવી દેવા. દીકરીને માને બહુ અચ્છા લાગ રહ્યા હે, પણ દીકરીના અચ્છા લાગ્યો કંઈ આપણે ઘરે માને ભણાને તૈયાર કરેલા, જ્યારે આપને ઠા પડેલા કે મોટા કેટલા ભણ્યા તૈયાર હોય, તો આપ બી આપણે ઘરે માને કડી મોટા ભણાવો
आपने घर में कड़ा बनिया है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मैंने जरूर बताइजो। तो मिला ला पाड़ी दूजा वीडियो में, जब तक राम राम सा।